कि कभी कभार हमारे मन में यह भाव पैदा होता है, हमारे मन में सवाल उठता है, हम कैसे हैं? समझना, कभी कभी हमारे मन में यह भाव उठता है, कभी कभी हमारे मन में यह सवाल पैदा होता है, हम कैसे हैं? दुनिया कैसी है ये तो हम जान लेते हैं, और उसके जानने के बहुत सारे तरीके आप लोगों के पास हैं। किसी के पीछे लग जाओ, कोई क्या कर रहा है देखते रहो, किसी की जासूसी करो, किसी की निगरानी करो, किसी की क्रियाओं को देखो, किसी के कार्यों को देखो। कहा कि दुनिया क्या करती है ये जानने के बहुत सारे तरीके आप लोगों के पास है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू कैसा है, ये जानने का तरीका कौन सा? हम कैसे जाने कि हम कैसे हैं? इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि यदि आपको जानना है कि आप कैसे हो तो दो सवाल अपने आप से करना। आप जानना चाहते हो कि मैं कैसा हूं, मेरे भीतर में क्या पड़ा हुआ है, मेरे भीतर में ज्ञान भरा हुआ है या मेरे भीतर में अज्ञानता भरी हुई है? आपको चार प्रकरण आते हो, पंच प्रतिगमन आते हो, भाष्य आपने पढ़ लिया हो, कर्म ग्रंथ का अभ्यास आपने कर लिया हो, और जैन शास्त्रों के बड़े बड़े धर्म ग्रंथ आपने पढ़ लिए हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यह है कैसे जाने हम कैसे हैं? हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं? हम सज्जन है या हम दुर्जन है? हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं? कहा के समझ लेना हम कैसे हैं, ये जानने की बड़ी आवश्यकता है। दुनिया कैसी है आपने जान लिया, आपके अड़ोस पड़ोस वाले कैसे आपके आपने जान लिया, आपके परिवार जन कैसे आपने जान लिया, आपके आसपास में रहने वाले लोग कैसे ये आपने जान लिया, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जानने योग्य यह है मैं कैसा हूं। दो सवाल जो अपने आप से पूछता है वो जान लेता है मैं कैसा हूं। कहा कि पहला सवाल, आपको बार बार कहां जाने का मन होता है, और दूसरा सवाल, आपको बार बार क्या करने का मन होता है। ये दो सवाल के प्रत्युत्तर से आप जान सकते हो आप कैसे हो, आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो कैसे पता लगाया जाए। ये दो सवाल के जवाब आपको सही रूप से मिल जाए तो आप पता लगा सकते हो आप कैसे हो, आप ज्ञानी हो या आप अज्ञानी हो। किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। आपने शास्त्र पढ़ लिए, आपने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, आपको बहुत सारी गाथाएं कंठस्थ है, आपको अर्थ आते हैं, आपको संस्कृत आता है, आपको प्राकृत आता है, आपने आगम के अर्थ पढ़ लिए, इतने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं ये ज्ञानी और अज्ञानी की एक ही परिभाषा है, आपको बार बार क्या करने का मन होता है, आपको बार बार कहां जाने का मन होता है। एक चीज समझ लेना, यदि बार बार भोगों के पास जाने का मन हो, भोग के समीप जाने का मन हो, भोग भोगने का मन हो, तो समझ लेना आप अभी भी अज्ञानी की अवस्था में हो। कहां जाने का मन होता है आपका? जैसे ही आप फ्री हो जाते हो, आप बिजी शेड्यूल में हो, तब तक ठीक है, आप कोई कार्य कर रहे हो, आप कोई कर्तव्य कर रहे हो, आप कोई क्रिया कर रहे हो, आप मंदिर जी में हो, आप उपासना में हो, वहां तो आप धर्म की भावना में रहोगे, आप वहां धर्म से जुड़े हुए रहोगे, लेकिन सवाल यह है कि फ्री टाइम में आपको कहां जाने का मन करता है। जैसे ही आपका माइंड फ्री हो जाए, आपकी बॉडी फ्री हो जाए, आपका दिमाग फ्री हो जाए, आपको लगे कि अब कोई काम नहीं है, तब कहां जाने का मन करता है? स्वाध्याय करने का मन करता है या मोबाइल हाथ में लेने का मन करता है? ज्ञानी होगा वो स्वाध्याय में जाएगा, और अज्ञानी होगा वो सोशल मीडिया में जाएगा। कहां आपका माइंड कहां जाता है समझना। आप जब भी फ्री हो जाओ आपके मन में विचार क्या उठते हैं, आपको कहां जाने का मन होता है, आपको क्या करने का मन होता है, इससे साबित होगा कि आप कैसे हो। मंदिर में आकर के तो नास्तिक भी धर्म करने लगता है, प्रवचन के मंडप में बैठ करके, प्रवचन की बातों को सुन करके कोई अज्ञानी होगा वो भी भव से तिरने की बात सोचने लगता है।
गुरु के माहौल में जाकर के, उपाश्रय में जाकर के, गुरु भगवान के आसपास में जाकर के कोई दुखी होगा, कोई दुर्जन होगा, वो भी ये सोचेगा कि मेरा भी कल्याण कैसे हो। लेकिन वो क्षेत्र का प्रभाव है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका माइंड फ्री हो तब आपको क्या करने का मन होता है, तब आपको कहाँ जाने का मन होता है, सवाल करना अपने आप से। फ्री टाइम मेरा कहाँ जाता है, फ्री टाइम मेरा कहाँ यूज होता है, फ्री टाइम में मैं क्या करता हूं, फ्री टाइम में मैं क्या सोचता हूं, ये जवाब बड़े मायने रखते हैं। और ये जवाब के ऊपर से तय होगा, निर्णित होगा कि आप ज्ञानी हो या आप अज्ञानी हो। दिमाग में से भ्रम निकाल देना कि बहुत किताब पढ़ ले वो ज्ञानी हो जाता है, जो कुछ नहीं पढ़ा वो अज्ञानी रह जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बराबर दिमाग में बिठा लेना, जो खुद को बदल ले वो ज्ञानी कहा जाता है, जो खुद को न बदल पाए वो अज्ञानी कहा जाता है। पढ़ने से क्या, इसलिए कबीरदास जी को लिखना पड़ा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। किताबें तो बहुत सारी पढ़ ली, उससे हल क्या निकला, उससे रास्ता क्या निकला, उससे फायदा क्या हुआ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुआ। ताकि तेरे भीतर में तू प्रेम को जगा नहीं पाया, और जब तक प्रेम को जगा नहीं पाया तब तक अध्यात्म के क्षेत्र में तेरा प्रवेश होना नामुमकिन है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते के समझने ला, ज्ञानी वही जो खुद को बदल पाए, अज्ञानी वही जो खुद को न बदल पाए। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।